हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस थ्योरम, और गॉस थ्योरम के बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर में सॉलिड नॉन कंडक्टिंग एंड सॉलिड कंडक्टिंग के लिए पढ़ा था। उसके पहले हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाना था। गॉस थ्योरम क्या कहता है? कहता है कि टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज्ड एरिया विच इज इक्वल टू वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। मतलब अगर हम क्यू चार्ज देते थे तो उस क्यू चार्ज में हमको फ्लक्स कितना मिलता था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज क्यू देते थे लेकिन हमको इनसाइड कितना फ्लक्स मिल रहा था? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सीट ऑफ चार्ज। मान लीजिए कि ये सीट है, यहां पर चार्ज कितना है? पॉजिटिव चार्ज है। अब कह रहा है यूजिंग गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम का यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। गॉस थ्योरम आपको मालूम है क्या है? फाई क्लोज क्या होता है बेटा? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा बेटा? इनसाइड का। ठीक, इसका सेकंड फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सरफेस इंटीग्रल E डॉट dl। ये फॉर्मूले हमने पढ़े थे। तो इस सीट में इनफाइनाइट तक है। अब इनफाइनाइट का मतलब, कुछ लोग कहते हैं इनफाइनाइट का मतलब रेंज नहीं, उसकी पता नहीं कहां तक है। इनफाइनाइट का ये मतलब नहीं हुआ। इनफाइनाइट का मतलब क्या है आज हम आपको अभी बताएंगे कि इनफाइनाइट क्या होता है। तो हमने क्या किया, इससे एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी है जहां पर हमको क्या कैलकुलेट करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करते हैं, क्या करते हैं, हम इमेजिनरी सरफेस बनाते हैं जो कि क्लोज होती है। That is called Gaussian surface, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? Gaussian surface बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मान लो इतने एरिया में हमको निकालना है, तो ड्रा किया, ठीक है, तो इधर भी तो सर्फेस बनेगा। कितनी डिस्टेंस पे, कितनी डिस्टेंस पे? एक्स डिस्टेंस, ठीक है, जितनी डिस्टेंस उस साइड रही होगी उधर ही, तो इधर भी तो उतना ही सरफेस बनाएगा। ये सेंटर है, ये सेंटर है, यहां पे इतना गॉसियन सरफेस इस डिस्टेंस पे बना है, तो इधर भी तो उतना ही बनेगा। ठीक है, अगर हम देखें यहां पर एक बात को सोचें तो जरा एक बात हम समझें। यहां पर एक सोचने की बात, ये सरफेस की तरह फर्स्ट सरफेस, एक सेकंड सरफेस और ये थर्ड सरफेस, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा एक चीज देखो कि यहां का जो एरिया वेक्टर होगा वो कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। कैसा होगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। यहां का एरिया वेक्टर कैसा होगा? सेम, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। ठीक, इसका सरफेस का एरिया वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर आउटवर्ड। इधर का भी क्या है? वही चीज, परपेंडिकुलर
अब लेकिन अगर मैं इस सरफेस की बात करता तो इसका एरिया वेक्टर कम होता, आउटवर्ड परपेंडिकुलर आउटवर्ड, मतलब इसका एरिया वेक्टर कितना है परपेंडिकुलर आउटवर्ड। बताइए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना एंगल पे, 90, थीटा कितना है 90, यहां पर क्या है थीटा 0 डिग्री है, यहां एरिया वेक्टर के साथ थीटा 0 डिग्री है, यहां पर वही सिचुएशन डी ए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पे थीटा इक्वल 90 डिग्री, थीटा कितने पे है 90। तो बताइए टोटल फ्लक्स फाइ टोटल कितना हुआ, फाइ वन प्लस फाइ टू प्लस फाइ थ्री। तो फाइ बताइए ये वन है फाइ वन, ये फाइ टू, ये फाइ थ्री, तो फाइ थ्री की वैल्यू क्या है 0 है। इसका मतलब है फाइ जो क्लोज्ड का आ रहा है वो फाइ वन प्लस फाइ टू, मैंने फाइ थ्री को 0 क्यों किया, क्यों किया, क्योंकि एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने डिग्री पे था 90 पे, और 90 पे तो ईडीए कॉस थीटा, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। ठीक, अब थोड़ा सा यहां सोचा जाए तो फाइ वन और फाइ टू की वैल्यू क्या होगी, तो फाइ इक्वल क्या होगा, ई सरफेस इंटीग्रल डी ए प्लस ई सरफेस इंटीग्रल डी ए। फाइ टोटल फ्लक्स कितना आया 2ea, ठीक कितना हो गया 2ea। अब सोचो यहां पर जब सेंटर पे है सारा चार्ज कहां पे है, इनसाइड अंदर की तरफ है, तो चार्ज कितना है पता नहीं कितना चार्ज है, तो इसमें क्या देखेंगे चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या देखेंगे इसमें चार्ज पर यूनिट एरिया, क्या सिंबल सिग्मा, क्या फॉर्मूला क्यू बाई ए, 1 मीटर स्क्वायर का चार्ज 1 सिग्मा, 2 मीटर स्क्वायर का 2 सिग्मा, 3 मीटर स्क्वायर का 3 सिग्मा। ठीक है, तो क्यू इक्वल सिग्मा इंटू ए, क्यू की वैल्यू क्या मिल गई सिग्मा इंटू ए। ठीक है, तो बताइए फ्लक्स फाइ इक्वल क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए, क्यू की वैल्यू क्या है सिग्मा इंटू ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई ए, ए से ए कैंसिल, तो ई इक्वल क्या सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या हो गई सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या है चार्ज पर यूनिट एरिया, इसको कुछ लोग क्या कहते हैं एरियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं, सुपरफिशियल चार्ज डेंसिटी भी कहते हैं। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हुई। क्या यहां पर ई किसी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, किसी डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ये एक्स यहां भी हो सकता था, ये एक्स और भी दूर ले सकते थे, इस एक्स को हम पास ले सकते थे। इसका मतलब क्या है कि हमने गॉसियन सरफेस ड्रा किया और तो सेकंड साइड भी हमने क्या किया गॉसियन सरफेस ड्रा किया, क्यों ड्रा किया क्योंकि गॉसियन सरफेस क्या करता है, अगर अपर साइड में गॉसियन सरफेस है तो सिमेट्रिक होता है, इसलिए वो सेकंड साइड भी क्या बना देता है गॉसियन सरफेस बना देता है। गॉसियन सरफेस कैसा होता है सिमेट्रिक, इलेक्ट्रिक फील्ड वहां कैसी होती है सिमेट्रिक होती है, तो ई इक्वल सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। अब हम कह रहे थे इनफाइनाइट की, अगर इसी एक्स को हम और पास कर लें, इस एक्स की जगह छोटे से मच्छर की बात करें कि एक मच्छर यहां बैठा था, तो एक मच्छर जब इस प्लेट में यहां बैठेगा तो उसको तो ऐसा दिखाई देगा ना कि ये बहुत बड़ा है, उसको यहां की रेंज नहीं दिखाई पड़ेगी, उसको क्या लगेगा ये इनफाइनाइट है। ठीक है,
हम किसी के पास खड़े हैं उसका शेप एंड साइज देख नहीं सकते कि वो कहां तक दिख रहा है, जहां तक देखो वहां तक दिख रहा है, तो उसको हम क्या कंपैरिजन कर लेते हैं, क्या मान लेते हैं उसको, इनफाइनाइट मान लेते हैं। ठीक है, ये एक्स डिस्टेंस अगर 100 मीटर के बाद होता तो 100 मीटर के बाद ही बहुत छोटा सा दिखता, तो कैसा लगता, पॉइंट चार्ज लगता। अगर इसी एक्स डिस्टेंस को हम 100 मीटर दूर मान के करते तो इसके लिए ये छोटा सा, बहुत छोटा सा दिखाई देता। नहीं बात समझे, ये प्लेन सीट थी, इधर गॉसियन सरफेस बना गया, सिमेट्रिक होता है तो इस तरफ भी बना दिया, यहां ये इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यही फील्ड जा रही थीटा 0 डिग्री, इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर आउटवर्ड, लेकिन इसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर, यहां पर तो कोई फ्लक्स क्रॉस नहीं करेगा, तो फाइव थ्री की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। इतनी बात कंफर्म हुई, सोन में आई इतनी बात, इक्वल सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, रफ कर दिया जाए, किसी को कोई डाउट, ठीक। चल अब हम एक चीज देखें कि हमने तो प्लेन सीट के लिए ई की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव भी ले सकते थे आप, ठीक है, उससे भी यही सिचुएशन बन के आई। अगर हमने यहां पर मान लो 2 सीट ले ली और दोनों पॉजिटिव ले ली, दोनों नेगेटिव ले ली, जरा ध्यान समझिएगा, मान लीजिए हमने 2 सीट ले ली, ठीक, पॉजिटिव सीट 1 और सेकेंड सीट ले ली, सीट 2, 3 पॉइंट लेट किए, पी क्यू आर, हमने कहा फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी क्यू आर, ठीक, दोनों सेम है एट पी, हम पी की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट से कहां होती है, आउटसाइड होती है, इस प्लस की अगर बात करो इस सीट 1 के लिए, पी से फील्ड कहां जाएगी, आउटसाइड, क्या बेटा, इस प्लस के लिए भी पॉइंट से आउटसाइड, तो पॉइंट ये है तो E1 and E2 both are in same direction, then resultant field equal E1 plus E2, पता ये E1 क्या था, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 भी क्या होगा, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसको उसी तरीके से फ्लक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है, सीट के लिए कितना, सिग्मा पान 2 एप्सिलॉन नॉट, ये ई, तो बताइए ई क्या आया, 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, ई की वैल्यू क्या हो गई, सिग्मा अपान एप्सिलॉन, ये किस पॉइंट के लिए आया, पॉइंट पी के लिए, फिर आ गए हम एट क्यू के लिए, प्लस के लिए फील्ड आउटसाइड, कौन सी, प्लस के लिए फील्ड पॉइंट से आउटसाइड, सेकंड सीट के लिए प्लस है तो आउटसाइड, ये क्या हो गया, E2, दोनों डायरेक्शन चेंज हो गई ना, अपोजिट हो गई, तो एट क्यू रिजल्टेंट
फील्ड क्या होगा, ई इक्वल ई वन माइनस ई टू। तो बताओ बेटा ई इक्वल सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ई की वैल्यू क्या बेटा, इसका मतलब है कि सेम टू प्लेन सीट ऑफ चार्ज ऑफ सेम नेचर, इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बिटवीन द प्लेट। उस दोनों प्लेट, दो प्लेट हैं, दोनों सेम चार्ज की हैं, तो उनके बीच में फील्ड कितनी होगी। हम एट आर पे आ जाए, एट आर सेकेंड सीट है तो पॉइंट से कहां बेटा, बाहर ई टू। फर्स्ट के लिए भी बेटा पॉइंट से बाहर, तो ई इक्वल क्या, ई वन प्लस ई टू। तो ई इक्वल क्या आया, ई वन क्या सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल सिग्मा अपान ई। क्या हो गई सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, मतलब पॉइंट पी और आर पे आउटर पॉइंट के लिए व्हेन टू प्लेट्स ऑफ सीट ऑफ चार्ज ऑफ इक्वल चार्जेस देन इट हैव इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम द आउटर साइड ऑफ द पॉइंट। दो प्लेन सीट ऑफ चार्ज के इक्वल चार्ज हैं, इक्वल चार्ज मतलब सेम चार्जेस हैं, तो उनके आउटर पॉइंट पे फील्ड जीरो नहीं होगी, लेकिन मिडिल पॉइंट पे फील्ड जीरो होगी। कब, व्हेन बोथ हैव सेम नेचर, दोनों जब दोनों का नेचर कैसा होगा, सेम होगा। ठीक है, पॉज करके नोट कर लें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर हम कहें मान लो हमने अभी तक इक्वल नेचर की ली थी, हम अपोजिट नेचर की ले रहे, पॉजिटिव और सेकंड कैसा है, ये कैसा ले लिया निगेटिव। पॉइंट नेगेटिव, लेट थ्री पॉइंट पी क्यू आर, फाइंड रिजल्टेंट फील्ड एट पी क्यू एंड आर। ठीक, चलिए पी की बात करते हैं। एट पी, ये सीट वन और ये सीट टू। ठीक है, पी पर बात करें तो पॉजिटिव के लिए फील्ड आउटसाइड, पॉजिटिव के लिए फील्ड आउटसाइड, दैट इज ई वन सीट वन, और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द चार्ज या इनसाइड, टूवर्ड्स द चार्ज या इनसाइड, तो चार्ज इधर है इधर ही जाएगा। तो बताओ रिजल्टेंट फील्ड, रिजल्टेंट फील्ड बताओ इक्वल क्या होगा, ई वन माइनस ई टू सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। बेटा वैल्यू क्या हो गई, जीरो, वैल्यू कितनी हो गई जीरो। अब मतलब पी पॉइंट आउटर में है और आर भी आउटर में है, तो अगर हम पहले एट आर की बात कर लें तो नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स उसी की तरफ ई टू, और पॉजिटिव के लिए आउटसाइड, तो ये हो गया आउटसाइड। तो रिजल्टेंट बताओ इक्वल ई वन माइनस ई टू, ई वन क्या सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान टू एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ ई की वैल्यू क्या हो गई जीरो। डिफरेंट चार्जेस ऑफ सीट हैं, तो इनके आउटर पॉइंट पे क्या आ रही फील्ड,
जीरो आई, तो अब मिडिल पॉइंट चेक लेते हैं एट क्यू, पॉजिटिव के लिए आउटसाइड और नेगेटिव के लिए टूवर्ड्स द प्लेट, उसी तरफ चला गया टूवर्ड्स द चार्ज। E1 एंड E2 बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, देन रिजल्टेंट क्या होगा, इक्वल E1 प्लस E2 होगा, रिजल्टेंट इक्वल E1 प्लस E2। बताइए E1 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ E की वैल्यू क्या मिली, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E इक्वल क्या हो गया बेटा, सिग्मा अपॉन। अभी हमने जब लास्ट डेरिवेशन किया था तो वहां पर दो सीट थी डिफरेंट चार्ज की थी, तो उनके मिड पॉइंट पे, प्लेटों के मिड पॉइंट पे फील्ड जीरो थी लेकिन आउटर पे थी। यहां पर हमने अपोजिट सीट ऑफ चार्ज ले लिया तो इसके आउटर पॉइंट पे क्या हो गई, जीरो हो गई, और मिड पॉइंट पे कितनी है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, हाँ पॉज करके नोट कर लें। देखिए, टू लार्ज मेटल प्लेट ईच ऑफ एरिया 1 मीटर स्क्वायर फेस ईच अदर, दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, हैव इक्वल एंड अपोजिट चार्ज। हम लोगों ने प्लेन सीट ऑफ चार्ज के बारे में भी पढ़ा था, जाना था कि इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की होती हैं। तो कह रहा है ऑन देयर इनर सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड 55 न्यूटन पर होगा, फाइंड चार्ज ऑन ईच प्लेट। कर रहा प्लेट के बीच की बात कर रहा है, अगर हम प्लेट के बीच की बात करें तो हमको मालूम है इक्वल अपोजिट चार्ज के लिए ये प्लस हो गया और ये प्लेट माइनस हो गई। प्लस के लिए मान लो इनसाइड की बात कर रहे हैं, प्लस के लिए फील्ड आउटसाइड और माइनस के लिए उसी की तरफ, तो रिजल्टेंट क्या आएगा, इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बताइए E क्या है, 55 इक्वल सिग्मा, सिग्मा की वैल्यू नहीं मालूम हमको। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर -12। तो बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या मिली, 55 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है, चार्ज पर यूनिट एरिया सिग्मा होता है क्यू अपान ए, और क्यू अपान ए तो इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको 9 लेट कर लीजिए कुछ देर के लिए, 9 5 जा 45 का 5 कैरी 4, और 9 5 जा 45 और 4 49। ठीक है, हमने सिर्फ 9 इसको राउंड फिगर में कितना माना था, 9 इंटू 10 की पावर -12। एरिया कितना ईच प्लेट 1 मीटर स्क्वायर, तो क्यू अपॉन 1 इक्वल इसको क्या लिख सकते हैं, 4.95, ये हो जाएगा 10 की पावर -10। तो बताओ बेटा चार्ज की वैल्यू क्या आई, 4.95 इंटू 10 की पावर -10 कूलाम। इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है तो कैसे लिख सकते हैं, क्यू इक्वल प्लस माइनस 4.95 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, अगर पॉइंट बाहर की तरफ होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, कैसे जीरो होगी, प्लस के लिए फील्ड बाहर होगी, माइनस के लिए उसी की तरफ होगी, तो E1 एंड E2 क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे, तो वैल्यू क्या निकल आएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, रफ कर दें, चलिए ठीक। वैल्यू याद कर लीजिए, अगर सेम प्लेट थी तो सेम प्लेट के लिए क्या होता था कि इनर पार्ट में जीरो होती थी लेकिन आउटर में दोनों प्लेटों के बाहर कितना होता था, इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब प्लेटों का नेचर सेम होता था। अब प्लेट डिफरेंट नेचर की है तो डिफरेंट नेचर में क्या होता है कि मिडिल पार्ट में वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन आउटर पार्ट में क्या हो जाता है, वो जीरो। ठीक, जस्ट अपोजिट रूल का होता है।
जैसे कह रहा है इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस, कह रहा इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द अर्थ सरफेस बी 300 न्यूटन पर कूलम, ई की वैल्यू गिवन है 300 न्यूटन पर कूलम, डायरेक्टेड डाउनवर्ड व्हाट इज द सरफेस डेंसिटी ऑफ द चार्ज ऑन अर्थ सरफेस, तो कह रहा अर्थ सरफेस पे कितना सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेगा तो हमको फॉर्मूला मालूम है, क्या फॉर्मूला होता है, इक्वल सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हमने प्रूविंग की थी, तो ई क्या है 300, सिग्मा नहीं मालूम, एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस, इसकी यूनिट क्या होती है एफ इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर बाई, तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट बताओ क्या आई, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो सिग्मा इक्वल 300 क्या है न्यूटन पर कूलॉम इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 हो गया। अब जरा सोचो क्या यूनिट है, कूलॉम स्क्वायर अपॉन में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, न्यूटन से न्यूटन कैंसिल हो गया, कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो गया, तो हमने कहा उसको कुछ देर के लिए आप 3, 5 या 15 कैरी वन, 3, 8 या 24, 1, 25 2 कैरी, 3, 8 या 24 और 2, 26 कितने प्लेसेस पे, 2 0 2 0 हो गए, तो 2 प्लेसेस पे इंटू 10 की पावर माइनस 12, तो बताओ सिग्मा की वैल्यू क्या आई 1, 2, 3 2.65 इंटू 10 की पावर माइनस 9, क्या बेटा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, कूलॉम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है नोट कर ले। अब नेक्स्ट देखिए, ऐसे ही नेक्स्ट न्यूमेरिकल में कह रहा है अ चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 कूलॉम इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द लार्ज सीट, कह रहा है कि चार्ज को चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बोला, चार्ज कितना है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 बोला इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली लार्ज सीट ऑफ एरिया, कहां पर है बेटा लार्ज सीट जिसका एरिया कितना है 200 मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जस्ट आर इक्वल कितना 20 सेंटीमीटर, हमको क्या क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई की वैल्यू पूछ रहा है, हमने लार्ज सीट के लिए प्रूविंग भी की, बताइए लार्ज सीट के लिए ई की वैल्यू क्या आई थी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्या यहां पर कहीं डिस्टेंस पे डिपेंड करता था, कहीं पर डिस्टेंस पे डिपेंड तो नहीं है, तो बताइए आर का कुछ मतलब है 20 सेंटीमीटर पर कहे 10 सेंटीमीटर पर कहे, इस डिस्टेंस का कोई मतलब है, इस डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब है कि ई को सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमसे ई की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम एक काम करते हैं या तो सिग्मा अलग से निकाल ले, या तो यहीं पर सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, तो बताओ ई का फॉर्मूला क्या बना क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ई क्या है ये हमको फाइंड करना है, क्यू क्या है 17.7 इंटू 10 की पावर माइनस 4 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और एरिया कितना प्लेटों का 200, तो
यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट है, यहाँ एक, तो यहाँ हटा दीजिए पॉइंट। कितने टाइम जाएगा? टू टाइम जाएगा, टू से टू कैंसिल हो गया। तो बताइए ई की वैल्यू क्या निकल के आ रही है? ई की वैल्यू आ रही है 200, तो 1/2 इंटू 10 की पावर 2 माइनस हो गई 10 की पावर -10, -10 ऊपर गया तो 10 की पावर -4 इंटू 10 की पावर +10। ये तो ई क्या है? 0.5 इंटू 10 की पावर 6, 10 की पावर 6। तो ई की वैल्यू हो गई 0.5 इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन लार्ज सीट के लिए ई की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज की प्लेट आती है तो उनके मिडिल पॉइंट पे कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आउटर में 0 हो जाता है। दोनों प्लेटों का नेचर सेम हो जाए तो क्या होता है? सेम हो जाने पर आउटर साइड में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और मिडिल पार्ट में क्या हो जाता है? दोनों प्लेटों के बीच में 0 हो जाती है वैल्यू। अब तो रिवाइज हो गया होगा। अगर एक न्यूमेरिकल और देखें इसका, तो कह रहा है अ पार्टिकल ऑफ मास 5 × 10⁻⁶ ग्राम। कह रहा है पार्टिकल है, उसका मास कितना है? 5 × 10⁻⁶ ग्राम। ठीक है, सीबीएसई पूछा गया 2015 में। लार्ज हॉरिजेंटल सीट ऑफ चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी दे दी उसने 4 × 10⁻⁶ कूलाम पर मीटर। ठीक है, व्हाट चार्ज शुड बी गिवन ऑफ द पार्टिकल सो दैट इट रिलीज्ड, इट डज नॉट फॉल इन डाउन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन। कह रहा है कि बताइए कितना, आखिर हम उसको कितना चार्ज दे दें कि ये फॉलन डाउन नीचे की तरफ ना गिरे। ठीक, हॉरिजेंटल सीट की ही बात कर रहा है, तो आप क्या करें? ई इक्वल सिग्मा अपॉन 2 εr0। ठीक है, चार्ज की वैल्यू चाहिए, बताइए ई की वैल्यू क्या होती है? एफ अपॉन क्यू इक्वल सिग्मा अपॉन 2 εr0। एफ क्या होता है? वेट की बात कर रहे हैं तो एमजी अपॉन क्यू इक्वल सिग्मा अपॉन 2 εr0। कह रहा कि हॉरिजेंटल सीट है जिससे पार्टिकल रखा है, उसका मास इतना है, उसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी भी गिवन है। कह रहा कि मेन नॉट फॉलिंग डाउन, कितना चार्ज हो जिसके कारण वो नीचे की तरफ ना गिरे, उस चार्ज की बात हमसे पूछ रहा है। तो एम बताइए ग्राम में है, ग्राम को केजी बना लीजिए, तो 5 × 10⁻⁶ -3 और एड केजी -9। जी क्या है? 10। क्यू अननोन है, फाइन करना है। सिग्मा की वैल्यू क्या हो गई? 4 × 10⁻⁶ और एप्सिलॉन नॉट कितना हो गया? 8.85 × 10⁻¹² इंटू 2 हो गया, 2 × 2 = 4 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दीजिए तो 2³ × 10⁻⁶ इक्वल हो गया 5 × 10⁻⁸। इन दोनों को देखिए -8, 8.85 × 10⁻¹². तो बताइए 10⁻⁶ कहां जाएगा? अपॉन में 10⁻⁶ हो गया, कुछ कैंसिल होगा। तो बताइए Q की वैल्यू क्या आई? 5 × 5 = 25 कैरी 2, 5 × 8 = 40 और 2 × 42 = 4, 5 × 8 = 40 और 40 और 4 = 44। कितने पे? 2 पॉइंट पे। -12 −8 − 20 − 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो कितना बचेगा? माइनस का 40 अपॉन में 2। तो बताओ Q की वैल्यू क्या आई? 22.12 × 10⁻¹⁴। तो क्या लिख सकते हो? 2.2 × 10⁻¹⁴।
ठीक है, क्यू की वैल्यू हो गई 2.2 × 10⁻³⁰ हो गई। अब यहां से क्यू हमको चार्ज मिल गया, हमको मालूम हो गया कि चार्ज इतना होना चाहिए जिससे वो पार्टिकल नीचे गिरेगा नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करता है तो हम जानते हैं क्वांटम थ्योरी में क्यू इक्वल एन ई होता है और एन इक्वल क्यू बाई ई होता है। ई क्या है? एलिमेंट्री चार्ज। सबसे छोटा पार्टिकल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। तो क्यू कितना है? 2.2 × 10⁻³। ई कितना होता है? 1.6 × 10⁻¹। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 22/16 -19 ऊपर गया +19, तो कितना बचा? 10⁶। तो एन इक्वल 16 × 1 = 16 वन टाइम 6 बचा, 60 हो गया। तो 16 × 3 = 48 × 10⁶। हम जानते हैं नंबर्स कभी भी डेसिमल में नहीं होते हैं, तो आंसर में आप कह सकते हो एन कितने हैं? 10⁶। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 10⁶ होंगे। तो ये आज के लेक्चर था एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज पढ़ा, डिफरेंट अपोजिट चार्ज के लिए पढ़ा, सेम प्लेटों के चार्ज के लिए पढ़ा, और उसके कुछ न्यूमेरिकल्स देखे जो सीबीएसई एनसीईआरटी में पूछे गए। तो आज का लेक्चर यही खत्म होता है। कल आपको हम नए लेक्चर के साथ मिलेंगे, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में हॉलो स्फेरिकल सेल्स की बात करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है, ऑल द वेरी